कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो नंबर से रिलेटेड था। इसके साथ साथ जो नंबर के कुछ और ऑप्शन, इसको और डिटेल से समझते हैं। इसके लिए मैं पहले शीट को जूम कर देता हूँ। शीट को जूम करने के बाद मैं यहाँ पर एक कोई नंबर लिखता हूँ। यहाँ पर नंबर लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको बता दें, जो नंबर के अंदर मैंने ऑप्शन बताए थे, आप देखेंगे नंबर के बगल में एक छोटा सा साइन बना हुआ है। इस पर क्लिक करते ही फॉर्मेट सेल नाम का एक विंडो आएगी, या फिर बॉक्स कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहले जर्नल है। जर्नल यानी कि जब भी हम एक्सेल में किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो हमेशा जर्नल अप्लाई रहता है। नंबर पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से सैंपल दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देख सकते हैं आप, किसी भी नंबर के बाद दशमलव के बाद दो जीरो लगाए जाते हैं, तो ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर दो जीरो आ गए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। इसके लिए मैं फिर से एक कोई नंबर लिखता हूँ। नंबर लिख देने के बाद नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद करेंसी, करेंसी पर क्लिक करते ही इसमें क्या होगा, डॉलर का मार्क आ जाएगा नंबर के साथ। ये देखिए नंबर के पास में एक डॉलर का मार्क आ गया है। फिर मैं एक नया नंबर लिखता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसी में जाता हूँ, साइन पर क्लिक करता हूँ। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें भी डॉलर का मार्क आता है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो साइन आएगा वो नंबर से दूर होता है अकाउंटिंग कंडीशन में, और करेंसी में नंबर के बगल में ही साइन होता है डॉलर का। ये देखिए छोटा सा फर्क है। जब भी आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो अकाउंटिंग में याद रखिए नंबर से दूर साइन होता है डॉलर का, और जब आप करेंसी करेंगे तो नंबर के बगल में ही डॉलर का मार्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मैंने एक नया नंबर टाइप करता हूँ, नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद साइन पर क्लिक करता हूँ। इसमें फिर से आ गया है जिसमें लिखा है डेट। डेट में क्या होता है, आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है। एक तो इसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग कोई भी डेट आ जाती है, ओके करते हैं। लेकिन अगर आपने डेट लिख रखी है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई डेट आज की डाल देता हूँ। ये मैंने डेट लिख दिया है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं एरो पर। इसमें डेट पर आप देखेंगे अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके मंथ का नाम और डे का नाम दोनों आए, तो हम इस पर क्लिक करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से टाइप दिखाई दे रहा है, उसी तरह की ओके करने पर, उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करने पर यहाँ पर वही फॉर्मेट अप्लाई होगा। हम ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ आप देखेंगे आज के दिन का नाम और महीने का नाम दोनों आ रहे हैं, यानी कि मंथ का नाम और डे का नाम दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपको ये बदलना है तो आप फिर से इसी में जाएं, एरो पे क्लिक करें। डेट में फिर से आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट है, कभी ईयर पहले है, कभी डे पहले है, सॉरी कभी डेट पहले है, इस तरह से आप देखेंगे। इसके साथ साथ नीचे थोड़ा जाएंगे तो डेट और टाइम दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट का यूज अपने लिखी हुई डेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए अब केवल मंथ का नाम आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर ईयर आ रहा है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टाइम को लिख देता हूँ। फिलहाल ये मैंने टाइम लिख दिया है। यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे टाइम पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। टाइम पे क्लिक करते ही टाइम में भी यही है कि आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट दिखा रहा है, अलग अलग इसमें सेकंड भी दिखा रहा है। आप इस पे ओके करेंगे। ये देखिए सेकंड इसमें जीरो जीरो कर दिया है, यानी कि जिस तरह से डेट में अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, उसी प्रकार से टाइम में भी अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिखाई देते हैं। आप इनमें से जो भी आपको यूजफुल है, आप उस पर क्लिक करें और ओके करें, तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो उसके सिलेक्ट किए हुए टाइम पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो देख लेते हैं, परसेंटेज। ये परसेंटेज मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आप किसी भी एक नंबर को लिखते हैं, नंबर को लिखने के बाद सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद इस ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर लिखा होगा इसमें डबल जीरो के साथ परसेंटेज का मार्क आता है। ये देखिए मैन वैल्यू में जो आपने मैन वैल्यू थी उसमें डबल जीरो लग चुके हैं, और डेसिमल के बाद दो जीरो के बाद परसेंटेज का मार्क आता है। नेक्स्ट नंबर हम लिखते हैं कोई भी, यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट करते हैं। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, इसमें अपना क्या होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप क्या करना होता है, इसमें कोई भी दशमलव वाली वैल्यू को लिखना होता है। मैं इसके साथ साथ क्या करता हूँ, कोई नया नंबर चेंज कर देता हूँ, 0.6 करता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर को लिखा, फिर इस पे जाके फ्रैक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे ओके करते ही इसमें इस तरह से
3/5 वैल्यू चेंज हो चुकी है, जबकि आप फॉर्मूला बार में देखेंगे वही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा पहले लिखा हुआ था। आप चाहे इस तरह से वैल्यू को शो ऑफ कर सकते हैं अपने एक्सेल में, या फिर उसी टाइप से कर सकते हैं जिस टाइप से मैंने पहले लिखा हुआ था। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है उसके लिए एक नया नंबर लिखता हूं मैं, कोई भी एक नया नंबर लिख देता हूं, इसके बाद इसको सिलेक्ट कर देता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक में ये होता है कि आपने क्लिक करते ही ओके करेंगे तो आपने देखा इसके पीछे 2 आ गया, इसका मतलब इसमें कितनी वैल्यू लिख रखी थी मैंने, 3। जब भी जितनी भी पीछे नंबर आता है उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है हमने कितनी वैल्यू लिख रखी है। हम एक नेक्स्ट ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक नए नंबर को लिखते हैं, ये मैंने नंबर लिख दिया, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं साइन पर, और इसमें जो ऑप्शन है टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या होता है जब भी हम इस पर सिलेक्ट कर इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो ये जो नंबर होते हैं, नंबर हमेशा याद रखें एक्सेल में सेल के राइट साइड में आते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये हमारे नंबर ऑटोमेटिक यानी कि इस सेल के लेफ्ट साइड में पहुंच जाएंगे। ये देखिए टेक्स्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने लिखे हुए नंबर को लेफ्ट साइड में ले जाना हो, तो हम टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहीं पे जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद स्पेशल या क्या होता है, स्पेशल यानी कि आप किसी तरह की जिप कोड में चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पर फोन नंबर में क्लिक करना है। वैसे फिलहाल तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है, अगर आप चाहते हैं इसमें किसी भी मैं फोन नंबर को लिख देता हूँ, फिलहाल ऐसे ही मैं किसी भी नंबर को टाइप कर देता हूँ, ये नंबर हो गया है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पर लिखा फोन नंबर, हम फोन नंबर पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये शो ऑफ कर रहा है, ये अक्सर इंटरनेशनल लेवल में इस तरह से किसी कंट्री का कोड को दिखाता है, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ये अलग अलग इसमें फॉर्मेट है, आप जिस फॉर्मेट का यूज चाहें उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जिप कोड भी है, जिप कोड से यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से डैश आ जाता है, इसका यूज किया सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर को लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद कस्टम पर क्लिक करते हैं। कस्टम में आप देखेंगे अलग अलग तरह की कैटेगरी इसमें दी गई हैं, आपको अपना नंबर किस तरह से शो ऑफ करना है इसमें, इस तरह से इसको इस तरह से इसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं, आपको जो भी यूज करना है आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें डॉलर का मार्क आ गया है, इसमें सैंपल में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ साथ इस तरह से शो करना है, इस तरह से शो कर सकते हैं। नॉर्मल आपको इस तरह से देखना है तो यानी कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर जो बॉक्स दिया जाता है इसमें सैंपल का, इसमें क्या होता है इसका यूज दिखाता है कि आपका ये किस तरह से अप्लाई होगा सिलेक्ट किए हुए नंबर पर। हम ओके करते हैं, ये देखिए इस तरह से इसमें सिलेक्ट हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर के सभी ऑप्शन हो गए हैं, जो भी आप कैटेगरी देख रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये नंबर ब्लॉक पूरा कंप्लीट होता है। लास्ट वीडियो कल देख सकते हैं, कल का और आज का वीडियो आप इस तरह से इसमें कंप्लीट करके पूरा शो ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।